देखिए बेटा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है यहाँ पर। अब ये समझना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। तो देखो, इसको समझने के लिए ना इसको ऐसे कर दो, इक्विवेलेंट बना कैसे होगा। एक तो इक्वल, देखो इक्वी से क्या निकाल लो, इक्वल, और बैलेंस से बैलेंसी। क्लियर है? जहाँ पर जो बैलेंसी होती है, और यहाँ ये बैलेंसी, ये बैलेंस मान लेते हैं समझने के लिए। क्लियर है? तो जहाँ पर इक्वल बैलेंस हो, अब ये क्या बात हुई है ना। जैसे देखो, मैं लिख दूँ 2/3, क्लियर, और यहाँ पर मैं लिख दूँ 4/6, क्लियर, और मैं यहीं लिख दूँ 6/9, क्लियर, फिर यहाँ पर लिख दूँ 8/12, और मैं कह दूँ ये सब क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। चेक करो, तो देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर होंगे तो बैलेंस क्या होगा, इक्वल होगा, तो इनको इनको तो सॉल्व किया नहीं जा सकता। और तो यहाँ 2/3 लिख देंगे, चूंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में है। इनको जब सॉल्व करेंगे तो अच्छा, कैंसिल करना आता है ना, एक ही नंबर लो उसको, ऊपर से भी कैंसिल करो, नीचे भी कैंसिल करो। जैसे अभी यहाँ इवन नंबर यहाँ है, यहाँ भी इवन नंबर है, इट मीन्स ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, हम 2 से कैंसिल कर रहे हैं। ऊपर तो 2 टाइम गया, और 2 3 जा 6, नीचे कितने टाइम गया, 3 टाइम गया। जब सॉल्व किया गया तो 2/3 आया कि नहीं, है ना। फिर इसको, इनको जब सॉल्व करोगे तो 2 से तो ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, नीचे से नहीं होगा। तो हमें ऐसा नंबर नहीं लेना, हमें ऐसा नंबर लेना है जो न्यूमरेटर को भी कैंसिल कर दे और डिनोमिनेटर को भी कैंसिल कर दे, है ना। तो अभी यहाँ पर हम क्या, 2 के बाद 3 आता है ना, 3 से चेक कर लो, हाँ 3 से कैंसिल हो जाएगा ना, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। क्लियर? तो यहाँ भी आ गया 2/3 आ गया, समझ पाए। अब यहाँ देखो 8/12, देखो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, दोनों कैंसिल होगा ना, देखो 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, क्या अभी भी कैंसिल हो जाएगा 2 से? यस, अभी भी तो हो जाएगा। तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, आप डायरेक्ट 4 से भी कैंसिल कर सकती थी, अभी समझ में आए। तो क्या आ गया, 2/3। तो यहाँ देखो इन सब में जो बैलेंस है, सब में है एक सेम है कि नहीं, बैलेंस इक्वल है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में समझ में आया, अगर उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो एक ही नंबर अगेन अगेन आता रहेगा, हाँ करते रहेंगे। क्लियर? अब जैसे एक तो ये हुआ चेक करने का कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। जब ये बोले कि है या नहीं है, तब आप क्या करो, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो और देखो सारा इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। बट क्वेश्चन कभी कभी ऐसा आ जाता है कि 2/3, इसका 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखिए, ऐसे आ जाता है। राइट डाउन द 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्लियर है? अब 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने के लिए आ जाए बेटा, तो सिंपल सा, पहले 2 से मल्टीप्लाई बोथ में करो। तो अभी देखो मैं 5 लिख रहा हूँ, है ना, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ 2/3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, ये पहला हो गया, ये फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया। अब यही आपको ध्यान देना है, चाहे 2 से मल्टीप्लाई करो या 12 से, लेकिन सेम रहे नंबर, बैलेंस सेम रहे। अगर ऊपर आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो नीचे भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। चलो ये तो पहला निकल गया, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 2/3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3, तो करो 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, तो ये दूसरा निकल गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। समझ में आया? अब मुझे तीसरा निकालना है, तो 2/3 अब मल्टीप्लाई 4 कर दें या 5 6, कुछ भी आप नंबर करो, बस याद क्या रखना, इक्वल बैलेंस इक्वल है ना। अगर 2 4 ले रहे हो तो ऊपर भी लो नीचे भी लो। क्लियर है? तो मल्टीप्लाई 4 और मल्टीप्लाई 4, 2 4 जा 8 एंड 3 4 जा 12, ये हो गया तीसरा निकल गया, 3 निकल गया, बट मुझे कितना निकालना है, 5। तो अभी और करते हैं, तो 2/3 और मल्टीप्लाई, अब मैं कर दे रहा हूँ 5 मल्टीप्लाई 5। क्लियर है? ऐसे देखो, तो यहाँ 2 5 जा 10 और यहाँ 3 5 जा 15, ये हो गया चौथा निकल गया। अभी समझ में आया? और अभी एक और निकालना, 5 निकालना ना, तो 2/3 और मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, 2 6 जा 12 और 3 6 जा 18, ये हो गया आपका। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 इक्विवेलेंट
फाइव इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3 इज, अब क्या क्या है, एक तो 4/6, दूसरा क्या है 6/9, तीसरा क्या है 8/12, 10/15 एंड 12/18, ये हो गया आंसर। समझ में आया, बोलो क्लियर है? तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लोगे, या मान लो ऐसे दे दें कि हाँ आप चेक करो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं। जैसे क्वेश्चन मैं दूं, अगर मैं लिख दूं 36/72, क्लियर है, और एक मैं लिख दे रहा हूँ 38/76, आपको इन दोनों को चेक करना है क्या ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं कि नहीं। चलो चेक करके बताओ जल्दी। देखिए यहाँ पर ये कैसे सॉल्व होता है, तो यहाँ 36/72 है तो ये साथ में लेना, ऐसे नहीं करना है कि 6/2 ले लो, क्लियर। यहाँ 36/72, तो यहाँ पर देखो 36 है इवन नंबर है, 72 ये भी इवन नंबर है, तो 2 से तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो पहले 2 से कैंसिल करो सारा साथ में, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया क्या आया कैरी 1 आया, और इधर 6 है 16 हो गया, तो 2 8 जा 16। ऐसे ना समझ में आए डायरेक्ट कैंसिल करना, अच्छा, तो आप ऐसे कर सकते हो 36 डिवाइड बाई 2, देखो 2 1 जा 2, कैरी आया 1, यहाँ 6 है, है ना, और 2 8 जा 16, तो ये हो गया कैंसिल, तो देखो 18 आया ना, तो ये मैंने डायरेक्ट किया। डायरेक्ट ना समझ में कंफ्यूज हो जाओ तो आप अलग से कर लो, अभी अभी नीचे वाला भी 2 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इवन नंबर है। तो देखो 2 3 जा 6, पहले तो 3 टाइम ले चले, 2 3 जा 6 कितने टाइम गया, 3 टाइम गया, तो 7 में से 6 गया क्या कैरी आया 1, आगे कौन बैठा है 2 1 2, क्या हो गया 12 12, कितने टाइम में जाएगा 2 6 जा 12। ऐसे ना समझ में आए तो यहाँ भी कर लो 72 डिवाइड बाई 2, जब करेंगे 2 3 जा 6, है ना, 7 में से 6 गया कैरी आया 1, और यहाँ क्या है 2 है, अभी कितने टाइम ले चलोगे 6 टाइम, तो 2 6 जा 12, ये देखो कैंसिल हो गया, कितना आया 36, तो वही चीज़ मैंने डायरेक्ट किया। समझ में आया क्या, देखो अभी भी कैंसिल हो सकता है, लेकिन पहले वाले में कहा सेकंड वाले से कटते हैं ना। हाँ तो 2 से ही तो कैंसिल किया गया बेटा, अभी समझ में आया। अभी देखो 18 इवन नंबर है ना, है, और यहाँ 36 भी इवन नंबर है, तो इसका मतलब ये अभी भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो देखो 2 9 जा 18, अब यहाँ भी कैंसिल करो तो 2 1 जा 2, और कैरी आया 1, और यहाँ 6 है 16 हो गया, 2 8 जा 16, ये समझ में आया कैसे 18 आया, कैसे 18 आया, यहाँ जैसे देखो ये अभी किया गया था ना 2 1 जा 2, कैरी आया 1, और यहाँ 6 उतार लिया गया 2 8 जा 16, समझी इतना। अभी देखो यहाँ 9 है यहाँ 18 है, यहाँ 9 है यहाँ 18 है, क्या ये अभी भी 2 से कैंसिल होगा, नहीं, नीचे वाला हो जाएगा ऊपर से नहीं, क्या 3 से कैंसिल होगा, यस हो जाएगा ना, तो 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, क्या अभी भी कैंसिल होगा, यस अभी भी कैंसिल होगा, तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो इधर तो 1/2 आ गया, इनको भी कैंसिल करते हैं, क्लियर है, इनको भी कैंसिल करते हैं, तो इनको कैसे करेंगे, देखो हाँ बिल्कुल, जब तक सिंपलेस्ट फॉर्म ना आ जाए। अब देखो 1/2 को सॉल्व और हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो यहाँ देखो 2 1 जा 2, कैरी आया 1, और यहाँ 8 बैठा है 1 8 18 हो गया, तो 2 9 जा 18 हो गया, नहीं समझ में आया इतना, ऐसे ना समझ में अलग से करके चेक कर लिया करो। देखो 2 1 जा 2, यहाँ 3 में से 2 गया कैरी आया 1, यहाँ 8 है, तो 2 9 जा 18, 9 टाइम गया, कितना आया 19 आया ना, वही लिखा गया। अभी यहाँ करो 2 3 जा 6, तो यहाँ देखो 7 में से 6 गया क्या आया 1, और यहाँ 6 है, तो 16 हो गया, तो 2 8 जा 16, ये समझ में आया, ना समझ में आया तो अलग से कर लो इस तरह से 2 3 जा 6, 7 में से 6 गया 1 आया, यहाँ 6 है, तो 16 हो गया, अभी कितने टाइम जाएगा 2 8 जा 16, 8 टाइम गया,
तो ये कैंसिल हो गया, कितना है 38, समझ में आया? अभी भी क्या ये 2 से कैंसिल होगा? नहीं होगा, नीचे वाला हो जाएगा, ऊपर वाला नहीं होगा। हमें क्या करना है, ऐसा नंबर लेना जो बोथ ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को कैंसिल करे। तो अभी देखो ये 19 के टेबल में है, 19 1 जा 19 और 19 2 जा 18, तो इधर भी 1/2 आ गया, इधर भी 1/2 आ गया, आया कि नहीं? अरे पूरा कट पिट करने पर 1/2, तो यहाँ पर लिखो अब नेक्स्ट में क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखिए 1/2 है ना, और इज इक्वल टू 1/2, ऐसा आ गया ना, क्लियर है? जब दोनों ये चीज़ हो गया, देखो ये क्वेश्चन लिखने के बाद ये करना है, क्वेश्चन अलग आपका रहेगा, क्लियर है? तो अभी ये दोनों इक्वल हो गए ना, देयर फोर, इसका मतलब क्या हो गया, देयर फोर अब क्वेश्चन कौन कौन सा था, क्वेश्चन था आपका 36/72 एंड और दूसरा क्या था 38/76 आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। बोलो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं? क्यों है? क्योंकि इक्वल है, सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने सॉल्व किया तो क्या आ गया, इक्वल आ गया, समझ में आया? तो ऐसे सॉल्व किया जाता है। ओके एक क्वेश्चन दिया जाए, ओके